आप देख रहे हैं दखल न्यूज। देश के 8 राज्यों की कुल 59 सीटों पर 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ। पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार से हिंसा की खबरें। एग्जिट पोल के नतीजे कहते हैं मोदी बनेंगे प्रधानमंत्री। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की हालत पतली। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का बयान, एमपी में कमलनाथ 20-22 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे। पंजाब में सियासत गरमाई, कैप्टन अमरिंदर ने कहा कि सिद्धू मेरी जगह पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। और छत्तीसगढ़ के दरिया दिल मंत्री हैं टीएस सिंहदेव, अब अस्पताल में भिजवा एसी और कूलर। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। देश के 8 राज्यों की कुल 59 सीटों पर आज 7वें और अंतिम चरण का मतदान हुआ। मध्य प्रदेश में भी इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, धार, मंदसौर, खंडवा, खरगोन में लोग बढ़ चढ़ के मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। देश भर में मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। इस दौरान पश्चिम बंगाल, बिहार और पंजाब से हिंसा की खबरें आई। लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2019 अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है। रविवार को 7वें और अंतिम चरण के तहत देश के 8 राज्यों की कुल 59 सीटों पर सुबह 7 बजे से मतदान हो रहा है। जिन सीटों पर मतदान हो रहा है उनमें इससे पीएम नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी शामिल है। अंतिम चरण में यूपी व पंजाब की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार व मध्य प्रदेश की 8-8, हिमाचल की 4, झारखंड की 3 और चंडीगढ़ की एकमात्र सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता कुल 918 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। चुनाव आयोग ने इसके लिए 1,12,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ तैयार किए हैं। अभी तक संपन्न हुए पिछले 6 चरणों में औसतन 66.88% लोगों ने मताधिकार का प्रयोग किया। इन सीटों के अलावा गोवा में पणजी विधानसभा सीट और तमिलनाडु की 4 विधानसभा सीटों के लिए भी इसी समय उपचुनाव भी होगा। इनकी मतगणना 23 मई को होगी। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के दिन भी पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई। पश्चिम बंगाल के भाटापाड़ा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव से पहले ही हिंसा भड़क गई। यहां गाड़ियों में आग लगा दी गई और बम फेंकने की खबर है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आगजनी की घटना को अंजाम दिया है। वहीं 12-7 संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले न्यू टाउन इलाके के कदम पुकूर में भी हिंसा की खबर है। कोलकाता में टीएमसी के पार्षद सुभाष बोस को हिरासत में ले लिया गया है, जबकि विद्या नगर में बीजेपी नेता अनुपम दत्ता को भी नजरबंद किया गया है। बंगाल में पहले दौर के मतदान से लेकर आखिरी दौर तक हर बार टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में जमकर झड़प हुई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, मध्य प्रदेश के खेल एवं युवक कल्याण मंत्री जीतू पटवारी ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। वहीं निमाड़ इलाके में कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव, उनके मंत्री भाई सचिन यादव ने मतदान किया। इंदौर में तो एक दुल्हन बग्गी पर सवार होकर बैंड बाजे के साथ वोट डालने पहुंची। दुल्हन के परिजन ढोल की थाप पर नाचते गाते वोट डालने पहुंचे। लोकसभा इलेक्शन 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होते ही एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। शुरुआती तौर पर आज तक टाइम्स नाउ BMR के अनुसार एनडीए को 306, यूपीए को 132 और अन्य को 104 सीटें प्राप्त हो रही हैं। इसको देखकर लगता है लोगों ने देश में एक बार फिर मोदी के नाम पर वोट दिया है और लोग नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हैं।
लोकसभा इलेक्शन 2019 के आखिरी चरण की वोटिंग पूरी होते ही शाम 6 बजे आचार संहिता समाप्त हो गई। चुनावी आचार संहिता समाप्त होने के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। शुरुआती तौर पर आज तक और टाइम्स नाउ BMR के अनुसार NDA को 306, UPA को 132 और अन्य को 104 सीटें प्राप्त हो रही हैं। अधिकांश एग्जिट पोल मोदी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं। आज तक ने सबसे पहले मध्य प्रदेश का रण दिखाया। यहां 29 में से 26 से 28 सीटें बीजेपी को और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलती दिख रही हैं। छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में से 7 से 8 बीजेपी को और 3 से 4 सीटें कांग्रेस को मिल रही हैं। इन दोनों राज्यों में वोट मोदी के नाम पर पड़ा है। ये एग्जिट पोल बताता है कि राजस्थान में 25 सीटों में से 22 से 25 बीजेपी और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 से 3 सीटें जा रही हैं। गोवा की दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं। ओडिशा में बीजेपी को बंपर फायदा एग्जिट पोल बता रहा है। महाराष्ट्र की 48 सीटों में से 38 से 42 सीटें एनडीए को और कांग्रेस को कुल 6 से 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। गुजरात में सभी सीटें बीजेपी के खाते में जाती दिखाई गई हैं। कांग्रेस को यहां 1 सीट मिलने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बड़ा नुकसान एग्जिट पोल बता रहे हैं। एबीपी नीलसन ने मुताबिक पश्चिमी यूपी में भाजपा को भारी नुकसान हुआ है। 27 में से 6 सीटें भाजपा को और 21 गठबंधन को जाती दिख रही हैं। कांग्रेस को यहां 1 भी सीट नहीं मिल रही है। कांग्रेस ने पश्चिमी यूपी की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी थी। इसी तरह अवध में भी महागठबंधन की लहर है। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और भाजपा इस बार भी क्लीन स्वीप करती नजर आ रही है। इंडिया टुडे एक्सिस के मुताबिक भाजपा को 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं। 2018 के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद कांग्रेस को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद थी। कांग्रेस ने राजस्थान पर खास जोर ही दिया था। एबीपी न्यूज के मुताबिक उत्तराखंड में भाजपा को 4 और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। हरियाणा में बीजेपी को 8 सीट और 2 सीट कांग्रेस को दी गई है। एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में बीजेपी को 34 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को बड़ी बढ़त दिखाई गई है। बीजेपी को 16 सीटें मिलती दिख रही हैं। सभी एग्जिट पोल देश में एनडीए की सरकार और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बता रहे हैं। विभिन्न एग्जिट पोल्स को देखें तो एनडीए को 2014 की तुलना में तकरीबन 40 सीटों का नुकसान हो सकता है। 2014 में भाजपा ने मोदी को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था और उसे जबरदस्त सफलता मिली थी। 543 सीटों के लिए बहुमत का आंकड़ा 272 है। अकेली भाजपा को 282 सीटें मिली थी और एनडीए का आंकड़ा 336 पर जा पहुंचा था। कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई थी और यूपीए को सिर्फ 60 सीटों से संतोष करना पड़ा था। एग्जिट पोल में इस बार कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार करते दिख रही है। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए मतदान हुआ। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्र गुफा से बाहर निकले और कहा, मुझे 2 दिन का आराम मिला, इसके लिए चुनाव आयोग का शुक्रिया। उन्होंने कहा कि विकास का मेरा मिशन प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन है। मोदी बद्रीनाथ भी गए, वहां भी उन्होंने पूजा की। एक तरफ मतदान, तो इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुद्र गुफा से ध्यान कर बाहर निकले। केदारनाथ में इस समय 4 डिग्री सेल्सियस तापमान है। मोदी ने मंदाकिनी नदी के किनारे बैठकर उसके कलकल बहते पानी के शोर को सुना और पहाड़ों पर जमी बर्फ को भी निहारा। मीडिया से मुखातिब होते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बहुत दिनों के बाद गुफा में बैठने का मौका मिला। हिंदुस्तान के वातावरण से 2 दिन अलग रहा। कल से मैं गुफा में रहने एकांत के लिए चला गया था। उस गुफा में 24 घंटे बाबा के दर्शन किए जा सकते हैं। वर्तमान में क्या हुआ, मैं उससे बाहर था, अपने आप में था, 2 दिन का आराम मिला, इसके लिए चुनाव आयोग का आभार। मोदी ने कहा कि भगवान के चरणों में आने के बाद मैं कुछ मांगता नहीं हूँ। भगवान ने आपको मांगने योग्य नहीं, देने योग्य बनाया है। उन्होंने कहा कि विकास का मेरा मिशन प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन है। सबसे पहले तो मैं इलेक्शन कमीशन का आभार मानता हूँ कि 1-2 दिन का विराम बीच में मिल गया और मेरा ये सौभाग्य है
कि आध्यात्मिक चेतना की भूमि पर जाने का मुझे कई वर्षों से अवसर मिलता रहा है। इन दिनों केदारनाथ बार बार आने का मौका मिलता है। केदारनाथ में जब आपदा आई और उस समय मैं यहां पहुंचा था, दिल में एक कसक थी कि कुछ करना चाहिए। गुजरात में रहते हुए अपनी तरह से कुछ न कुछ करता रहता था, लेकिन प्रधानमंत्री बना सौभाग्य से यहां उत्तराखंड में भी अनुकूल सरकार बनी। तो आपने देखा होगा कि वैसे यहां 3-4 महीने से ज्यादा काम करने का अवसर नहीं मिलता है, क्योंकि बर्फ रहती है, 50-52 फीट तक बर्फ चली जाती है, -20-25 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और जब काम पीक पर होता है तो करीब 800,000 लोग काम करते हैं। और इसका एक मास्टर प्लान बनाया है, उसके आधार पर इसके विकास का काम चल रहा है। लोकसभा चुनाव खत्म हुआ नहीं कि पंजाब में एक बार फिर सियासत गरमाने लगी है। सीएम अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच जारी शीत युद्ध में एक बार फिर बयानबाजी सामने आई है। इस बार सीएम अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू पर निशाना साधा है। अमरिंदर ने कहा कि सिद्धू मेरी जगह पंजाब का मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इसीलिए बेवजह गलत बयानबाजी कर रहे हैं। हालांकि अमरिंदर सिंह ने जोड़ा कि सिद्धू के साथ उनकी कोई जुबानी जंग नहीं है। सीएम अमरिंदर सिंह ने कहा कि सिद्धू महत्वाकांक्षी हैं, ये ठीक है, लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, मैं उन्हें बचपन से जानता हूँ, मेरे उनके साथ कोई वैचारिक मतभेद नहीं है, वे मेरी जगह सीएम बनना चाहते थे। इस बीच उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सिद्धू पर कार्रवाई करनी चाहिए। सिद्धू पंजाब सरकार में फिलहाल मंत्री हैं। सिद्धू विधानसभा चुनाव के पूर्व भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए थे। माना जा रहा है कि पंजाब में जारी राजनीति घमासान के बीच सिद्धू को अमरिंदर सरकार ने साइडलाइन किया जाने से भी खफा है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कमलनाथ 22 सीट लाने की बात कर रहे हैं, अभी तो इसी पर संशय बना हुआ है कि 20-22 दिन भी वे मुख्यमंत्री रहेंगे या नहीं। बीजेपी के कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय का बयान बहुत कुछ कहता है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय से जब पूछा गया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ एमपी में 22 सीट लाने का दावा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कमलनाथ 20-22 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं, ये ही प्रश्न चिन्ह है। वो 22 दिन मुख्यमंत्री रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी तो ये प्रश्न चिन्ह है इस लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, एक दिन के लिए जरूर वहाँ पर रोड शो हुआ था, तब मैनेजमेंट के लिए मैंने कुछ लोगों को बुलाया था, पर ये आप जैसे पत्रकारों के शैतानी दिमाग की उपज सकती है, बाकी कोई इंदौर की टीम कलकत्ता नहीं गई। कैलाश विजयवर्गीय इस तरह की आशंका पहले भी जाहिर कर चुके हैं कि लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। विजयवर्गीय का बयान साफ जाहिर करता है कि बीजेपी किसी सोची समझी रणनीति पर काम कर रही है। समय ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अपनी संवेदनशील छवि के लिए चर्चित छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, जन समस्याओं से रूबरू होने, कभी धूल से परेशान नागरिकों की समस्या देखने स्कूटर से निकल पड़ते हैं, तो कभी गर्मी में
पेयजल की आपूर्ति देखने खुद ही जाते हैं। इस बार किसी ने उन्हें संदेश भेजा कि सिम्स के वन वार्ड सहित कई जगह ना एसी है ना कूलर, फिर क्या था। टीएस सिंहदेव ने एसी और कूलर अस्पताल भिजवा दिए, लेकिन उन्होंने अस्पताल प्रबंधन को माकूल इंतजाम नहीं करने पर लताड़ा भी। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री एक राजनेता के रूप में अपना कार्य व्यवहार ऐसा रखते हैं कि हर कोई उनका मुरीद हो जाता है। बिलासपुर के सिम्स हॉस्पिटल में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिसके लिए लोग टीएस सिंहदेव की संवेदनशीलता की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाए। दरअसल किसी ने उन्हें मोबाइल पर मैसेज कर दिया कि सिम्स हॉस्पिटल के वन वार्ड के एसी खराब होने और कुछ वार्डों के कूलर खराब होने के कारण मरीजों का गर्मी से बुरा हाल है। मैसेज मिलते ही सिंहदेव ने अपने निजी सहायक पंकज सिंह और मोनू अवस्थी को सिम्स भेजा। अफसरों ने आचार संहिता का हवाला देकर तुरंत खर्च करने से अपनी असमर्थता व्यक्त की। इस पर सिंहदेव ने हॉस्पिटल प्रशासन को लताड़ लगाते हुए कहा कि जब उन्हें पता था कि आचार संहिता लगने वाली है तो पहले से ही गर्मी से निपटने की व्यवस्था क्यों नहीं की गई। बहरहाल सिंहदेव ने अपने निजी पैसों से तुरंत 3 एसी और 20 कूलर खरीद कर वार्डों में फिट करवा दिया। मोबाइल मैसेज मिलने के 1.5 घंटे के भीतर मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने की इस कार्यवाही से समूचे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव की तारीफ हो रही है। इंदौर में मतदान के दौरान कई जगह अव्यवस्था देखने को मिली। कहीं पानी के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे तो कहीं बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर नहीं थी। हालांकि इंदौर कलेक्टर ने मतदान को लेकर कई दावे किए थे जिनकी हवा निकल गई। इंदौर में भीषण गर्मी के बीच मतदान हुआ, लेकिन मतदाताओं को धूप से बचाने के कोई खास उपाय नहीं किए गए थे। इंदौर जिले में कलेक्टर लोकेश जाटव की कोशिश थी कि इंदौर स्वच्छता के बाद मतदान में भी नंबर वन बने, लेकिन मतदाताओं की सुविधा के लिए प्रशासन माकूल इंतजाम नहीं कर पाया। आज हमारे ज़िले में बहुत महत्वपूर्ण दिवस है और हम सब ने प्रयास किया है कि और आप सभी ने भी उसमें बहुत सहयोग किया है और सक्रिय भूमिका निभाई है और हम इंतज़ार कर रहे हैं शाम को अच्छी खबर का, जब इंदौर के नागरिक एक पूरे देश में एक नज़ीर पेश करेंगे और जिस तरह से हम स्वच्छता में नंबर एक रहे हैं, होपफुली शाम तक वोटिंग में भी हम लोग नंबर वन आने का एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर इंदौर की कई विधानसभाओं में अव्यवस्था देखने को मिली। इंदौर के राऊ और 4 नंबर में मूलभूत सुविधाओं को लेकर कुछ भी नहीं था। धूप से बचने के लिए टेंट तक नहीं लगाए गए थे, पानी भी कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। परेशान नागरिक जागरूकता दिखाते हुए खुद अपने घरों से छाया करने के लिए चादर तथा पानी की केन लेकर आए। कहीं कहीं बूथों पर तो बुजुर्गों के लिए व्हीलचेयर तक की व्यवस्था नहीं की गई थी। इस बारे में जब BLO से बात की गई तो उनका कहना था कि मैंने कल ही SDM साहब को मैसेज कर दिया था, लेकिन अभी तक व्हीलचेयर की व्यवस्था नहीं हुई है। नगर निगम से जब बात की गई तो उनका कहना था कि पास के बूथ से व्हीलचेयर की जरूरत पड़ने पर भेज दी जाएगी। ये 20 नंबर अभी तक चालू नहीं हुई है, एक एक घंटे से लोग लाइन में खड़े हुए हैं। 6:30 बजे तक चलेंगे शाम को, अभी चालू है कि नहीं? अभी क्या हो? एक घंटा लेट है अभी। काय के लिए लेट है ये? 6 से 7 में इनको कंप्लीट करवाना है। क्यों लेट है? और हमको तो भूख पे नौकरी लगी था, पूछा वहाँ पे जाना है, नौकरी पे जाइए बदलाव, और आज चंदन नगर जाना। अरे बुजुर्ग लोग हो गए, एक एक घंटे लाइन में खड़े रहेंगे हम। सीनियर सिटीजन अंदर मत आइए, अंदर मत आइए, कैसे काट रहे हैं हम जानते हैं। ये बोल रहे हैं किसी और चीज के लिए नहीं बोल रहे, हमारा अधिकार है इसके लिए बोलना। बिल्कुल सही, कोई भी अधिकारी आ जाए, कोई भी आ जाए, अधिकार हमारा है, हमारा वोट है, हमको डालना है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। पानी की कोई प्रशासन की तरफ से व्यवस्था नहीं है, छांव की कोई व्यवस्था नहीं करी, किसी प्रकार का कोई टेंट नहीं लगा है, सीनियर सिटीजन भी धूप में बैठे हुए हैं, अव्यवस्था है यहाँ। हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमने यहाँ पे पानी की व्यवस्था दी है, छांव की व्यवस्था भी अभी हमने करी है, जब लोग परेशान हो रहे थे उसके बाद हमने व्यवस्था की। इंदौर देवास में मतदान के दौरान PWD मंत्री सज्जन वर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। वर्मा ने कहा मध्य प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में है और कांग्रेस 17 सीटें जीत रही है। सज्जन वर्मा ने कहा इस बार इंदौर भी कांग्रेस जीतेगी। देखिए, जितना मैं इंदौर शहर और ग्रामीण क्षेत्र में घूमा हूँ, मुझे बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि बदलाव की एक हवा इस इंदौर लोकसभा में चल रही है
और पंकज संघवी जो हमारे उम्मीदवार हैं, निश्चित रूप से हर छोटे से लेकर बड़ा व्यक्ति उनको जानता है, उनकी कार्य पद्धति से परिचित है। और निश्चित रूप से शंकर ललवानी एक नया चेहरा है, बहुत ज़्यादा उनका रसूख नहीं है शहर में और गाँव में, तो पंकज संघवी की पहचान, उनके कार्य करने की पद्धति और कांग्रेस की जो राहुल गांधी ने जो नीतियाँ इस समय लागू की हैं, जो चुनाव संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया है, उस पर जनता भरोसा कर रही है। मैं कई बाजार भी घूमा हूँ, बड़े व्यावसायिक औद्योगिक घरानों से मिला हूँ, उनका मन भी यही कि हमने नोटबंदी और GST की पीड़ा भोगी है और हम नहीं चाहते कि इस तरह की सरकार में। बीजेपी के इंदौर से सुमित्रा महाजन का टिकट काटते ही सीट इंदौर चर्चा में आ गई थी। इंदौर में मचे राजनीतिक घमासान और मतदान के बाद अब सबकी निगाहें 23 तारीख पर हैं कि इंदौर बीजेपी के कब्जे में रहता है या बीजेपी के गढ़ में कांग्रेस सेंधमारी कर पाती है। बैतूल के बड़ोरा इलाके में एक कार शोरूम में अचानक भीषण आग लगने से शोरूम में रखी लाखों की कार जलकर खाक हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। भीषण आग को काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियों को बुलाना पड़ा। बैतूल बाजार थाना क्षेत्र के बड़ोरा इलाके में मारुति शोरूम में अचानक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया है। भीषण आग की वजह से शोरूम में रखी 3 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं, जबकि 2 गाड़ियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है। आग लगने की वजह से शोरूम जलकर खाक हो गया, जिससे लगभग 50 लाख का नुकसान होने की संभावना है। आग लगने के आधे घंटे के बाद दमकल की 3 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो आसपास व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी आग लगने की आशंका थी। शादी समारोह से लौट रही बुलेरो गाड़ी की कैप्सूल ट्रक से जोरदार भिड़ंत की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को खरसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनको इलाज के लिए रायगढ़ रेफर कर दिया गया है। डबरा मार्ग के भद्री चौक में देर रात भीषण हादसा हो गया। शादी समारोह से लौट रहे बुलेरो गाड़ी की एक कैप्सूल से भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 10 माह के बच्चे समेत 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। आधा दर्जन लोग घायल हो गए हैं। घायलों को खरसिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गंभीर रूप से घायल 3 युवकों को इलाज के लिए रायगढ़ रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद कैप्सूल गाड़ी को कब्जे में ले लिया गया है। जबलपुर में एक कार नहर में गिरकर बह गई, जिस कारण कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। मौके पर पहुंचे राहत दल ने कार को नहर से निकाला और नहर से एक शव निकाला। बरगी में होमगार्ड प्रशिक्षण केंद्र के पास पुलिया से एक कार नहर में गिर गई। पानी का बहाव ज्यादा होने की वजह से कार 500 मीटर दूर तक चली गई। हादसे की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स मौके पर पहुंची। पानी का बहाव और गहराई ज्यादा होने की वजह से गोताखोरों को रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आई। बहाव कम कराने के लिए बरगी बांध के गेट बंद कराए गए। जानकारी के मुताबिक कार में 4 लोग सवार बताए जा रहे हैं और हादसे में 4 की ही मौत की आशंका जता रही है। मौके पर लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। इस बीच रेस्क्यू टीम रस्सियों की मदद से कार को बाहर निकाला। मऊ में सुबह किशनगंज के रेल ओवरब्रिज के नीचे नर्मदा की मेन पाइपलाइन फूट गई। इससे लाखों गैलन पानी बह गया। पाइपलाइन के पास ईंट में कई भट्टे हैं जो जलमग्न हो गए। अक्सर इस पाइपलाइन में लीकेज की बात सामने आती रही है। सरकारी अनदेखी के कारण मऊ में पानी की पाइपलाइन फूटी तो कई मीटर ऊंचा पानी का फब्बारा निकला। जब तक नर्मदा प्रोजेक्ट से जुड़े अफसर मौके पर पहुंचते और मरम्मत का काम शुरू होता, तब तक लाखों गैलन पानी बह गया था। जानकारी मिलने के बाद वाल्व बंद किया गया, तब जाकर पानी रुका। पाइपलाइन फूटने की वजह से न सिर्फ महू में नर्मदा का जल प्रदाय प्रभावित हुआ, बल्कि इंदौर शहर की बड़ी आबादी को भी गर्मी में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। पाइपलाइन फटने से कई ईंट के भट्टे जलमग्न हो गए और कई इलाकों में पानी भर गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।